आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। राजनीतिक जानकारों की माने तो कई बार लोकसभा और विधानसभा में मिल रही असफलता के बाद मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। पार्टी में अहम पद दिए हैं, उन्हें चुनावी राज्यों में प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही आंदोलन, धरना प्रदर्शन और पद यात्राओं से दूरी बना चुकी पार्टी अब भतीजे को ठीक से लॉन्च करने के लिए पद यात्राओं का सहारा ले रही है। इससे भतीजे की इमेज ठीक हो जाए और उनके समाज में भी एक संदेश चला जाए। आकाश आनंद ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3,500 किलोमीटर की सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा शुरू की है। इस यात्रा को बहुजन अधिकार यात्रा भी नाम दिया गया है। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई। यात्रा प्रदेश के करीब 150 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और सियासी जानकार बताते हैं कि यात्रा के दौरान दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति के तहत बसपा काम करेगी। यात्रा की शुरुआत के मौके पर धौलपुर में हुई इस दौरान आकाश आनंद ने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संकल्प के साथ बसपा प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बसपा का संकल्प होगा कि सत्ता में आने पर सभी वर्गों का भला हो, पीड़ितों, दलितों और शोषितों को राहत मिले। बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि आनंद को बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसमें चुनौती भी बहुत है लेकिन सीखने का खुला मैदान है। वो अपनी बुआ के सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को लागू कर रहे हैं। यूथ उनसे जुड़ेगा, उनके साथ कई अनुभवी नेता भी लगे हुए हैं जो समय समय पर उन्हें आगे बढ़ने का ज्ञान देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी राज्यों में चुनौती तो है लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। एक प्रकार से बसपा की मायावती के बाद की नौजवानों के साथ आनंद ही तैयार कर रहे हैं। हाल में उनको राजस्थान, MP छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का जिम्मा सौंपा है। उनके साथ दो भरोसेमंद नेता अशोक सिद्धार्थ और रामजी गौतम को लगाया गया है। इस बीच मध्य प्रदेश में आकाश काफी सक्रिय रहे। उन्होंने आदिवासी दिवस पर राजभवन तक मार्च किया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर दिया गया उनका बयान काफी सुर्खियों में रहा। वरिष्ठ राजनीतिक जानकार प्रसून पांडे कहते हैं कि आकाश आनंद को अपने को साबित करने के लिए 4 राज्यों के चुनाव ही काफी हैं। हालांकि इनका अभी तक कोई बड़ा संघर्ष नहीं है, फिर भी मायावती ने उन्हें अच्छे से लॉन्च किया है। राजस्थान के रण में उनके सामने निष्ठावान और जिताऊ उम्मीदवार का चयन करना अपने आप में बड़ी चुनौती है क्योंकि बसपा के यहाँ पर किसी जमाने में 6 विधायक हुआ करते थे लेकिन अब वह कांग्रेस के पाले में चले गए। ऐसे ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है जहां बसपा के वोट शेयर में गिरावट पर रोक लगाने और अपने कैडर को बचाने की चुनौती खड़ी है। कई दशकों से यूपी की राजनीति करीब से देखने वाले रतन मणिलाल कहते हैं कि मायावती के पास अभी तक दूसरे नंबर की लीडरशिप खत्म हो गई है। उन्होंने ज्यादा किसी पर भरोसा भी नहीं किया है। बीते 30 सालों के बाद कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है और वह निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र हो सकते हैं। इनका रोल मायावती की अनुपस्थिति में वह दूसरे नंबर की भूमिका अदा करेंगे, चाहे प्रचार हो, किसी दल के साथ बातचीत करनी हो, यह मायावती की दूसरी आवाज होंगे। मायावती अपने सेकेंड लीडरशिप तैयार कर रही हैं और धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी आकाश को दे रही हैं। इसमें ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा अगर इतना बढ़ाने के बाद भी आकाश उपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं लाते हैं तो पार्टी का और ज्यादा डाउनफॉल शुरू हो सकता है। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं आकाश आनंद। उन्होंने लंदन के एक बड़े कॉलेज से MBA की डिग्री हासिल की है। बसपा प्रमुख मायावती ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद सहारनपुर की रैली में आकाश को लॉन्च किया था। उन्होंने अपने कार्डर के बीच संदेश भी दिया था। इंटरनेट मीडिया पर मजबूत हुई बसपा की पकड़ के पीछे आकाश आनंद का ही हाथ माना गया और 2019 के गठबंधन के दौरान जब लालू के बेटे तेजस्वी ने मायावती से भेंट की थी उस दौरान आकाश मौजूद थे। उसी चुनाव प्रचार के दौरान भी वो माया अखिलेश की संयुक्त रैली में मंच पर दिखे थे। उस चुनाव के दौरान उन्होंने बसपा के लिए रणनीति बनाई थी और आगे
आने वाले समय में उनकी भूमिका और मजबूत हो सकती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।